आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में लड़कियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कुछ लड़कियां व महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ऐसे में आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि आपकी लाइफ में किसी लड़की या महिला के आने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई हो, फिर चाहे वो आपकी बेटी हो, जीवन साथी हो, लव मेट हो या फिर दोस्त हो। ऐसी महिलाएं जिसके भी साथ रहती हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। दरअसल पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ होने से घर में खुशियों की लहर आ जाती है, धन की बारिश होने लगती है और शादी के बाद भी ऐसी लड़कियां जिस भी घर में जाती हैं उनका भाग्य खुल जाता है। ऐसी लड़कियां जहां भी रहती हैं वहां हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जो सौभाग्यशाली लड़कियों की निशानी होती है और इन लड़कियों पर माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के कान लालिमा लिए होते हैं और नीचे से कान नुकीले होते हैं, ऐसी लड़कियां जहां भी रहती हैं वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। और जिन लड़कियों के पैर मुलायम होते हैं और एड़ियां साफ और लाल रहती हैं, ऐसी लड़कियां भी बहुत ही लकी मानी जाती हैं। इसके अलावा फटी एड़ियों वाली लड़कियां दुर्भाग्यशाली होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है, ऐसी लड़कियां खुद तो सुख भोगती हैं, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। तो वही नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। इसके अलावा स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी लड़कियां व स्त्रियां बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। ये अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार में खुशहाली बनाती हैं। अगर आप बात करें लंबी गर्दन की, तो जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है ऐसी लड़कियां बहुत ही लकी मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं। इसके अलावा जो लड़कियां मटक मटक कर चलती हैं या फिर जिन लड़कियों की कमर पतली होती है, ऐसी लड़कियां नौटंकीबाज और खुश मिजाज होती हैं। ये लड़कियां खुद तो खुश रहती हैं, साथ ही अपने घर ससुराल में भी सभी को खुश रखती हैं। ऐसी लड़कियों को शादी के ससुराल पक्ष से बहुत प्यार मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लड़कियों का शरीर कोमल होता है, ऐसी लड़कियां काफी भाग्यशाली मानी जाती हैं। बता दें कि जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है, वो सुख भोग को पाने वाली होती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी स्त्री के भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। कुंडली जीवी से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।